नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था, चंद्रमा में ग्रहण योग कैसे बनता है। आज की वीडियो में ग्रहण योग के ही अगले चरण में हम बात करेंगे सूर्य से ग्रहण योग कैसे बनता है और इस ग्रहण योग का प्रभाव कैसे होता है। अभी सूर्य जो है ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है और ग्रहों का राजा कहा जाता है सूर्य को। सूर्य जहां शासक स्वभाव का रहता है, सूर्य के पास शासन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, गरिमा भी है, स्वाभिमान भी है, और सूर्य के पास नेत्र का कारक सूर्य है, मस्तक का कारक सूर्य है, सिर का भी कारक है सूर्य। सूर्य को ये, क्योंकि सब कारक ये सूर्य के ये कारक हैं, अगर किसी भी प्रकार से सूर्य दूषित हुआ तो ये सभी चीजें प्रभावित होंगी। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन भी प्रभावित होगा इन सब के प्रभावित होने से। पद प्राप्ति में बड़ी बाधा आएगी जबरदस्त वाली, बार बार आप पर मिथ्या आरोप लगाए जाएंगे। ये ग्रहण स्थिति कैसे बनती है, आइए इस पर विचार करते हैं और इसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, फिर अंत में इसके समाधान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। सूर्य जब भी कभी किसी भी जन्म कुंडली में राहु के साथ हो तो ये प्रबल प्रकार का ग्रहण योग माना जाता है। ये सबसे प्रभावशाली ग्रहण योग होता है। यदि ग्रहण योग में सूर्य केतु के साथ हो तो यह भी ग्रहण योग है, किंतु यह उतना प्रबल नहीं होता जितना कि राहु के साथ बनता है। तो हमें यह ध्यान से समझना होगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रहण योग सूर्य और राहु के कारण है और दूसरे प्रकार का सूर्य और केतु के कारण है। अब ग्रहण क्यों? सूर्य प्रकाश का कारक है और राहु केतु अंधकार के कारक है। जब प्रकाश अंधकार प्रकाश के बहुत पास आकर प्रकाश को ढक ले तो स्थिति में जीवन में प्रकाशिकता की कमी आ जाती है। अब ऐसी प्रकाशिकता की कमी ज्ञान को प्रभावित करेगी, आपकी अंतः स्थिति को प्रभावित करेगी, जिससे जीवन में समस्याएं, संघर्ष निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। जब आपको आपका भविष्य अंधकार में दिखाई दे तो निश्चित रूप से आप में व्याकुलता भी होगी, आप में संघर्ष भी होगा, आप में बेचैनी भी बढ़ेगी। तो इन सब स्थितियों के कारण है सूर्य का राहु के साथ होना या सूर्य का केतु के साथ होना। यहां हमें कुछ चीजों पर विचार करना होगा। मुख्यतः राहु जितनी शुभ स्थिति में हो उतना कम पीड़ित होगा, सूर्य को जितना राहु नजदीक जाएगा उतना राहु से ज्यादा पीड़ित होगा सूर्य। तो इसलिए जब भी आप ग्रहण योग का विचार करें, आप अंशगत दूरी जरूर देख लें, डिग्री वाइज इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है इस पर जरूर ध्यान दें। ये जितनी कम होगी ग्रहण योग का प्रभाव उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो निकटता बहुत नहीं होनी चाहिए, अगर निकटता बहुत है तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है, आपको इसके समाधान पर भी ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर सूर्य राहु के बहुत निकट है या तो केतु के बहुत निकट है तो ये ग्रहण योग होगा। इसमें भी अधिक अशुभ प्रभाव देने वाला सूर्य के राहु के साथ और कम अशुभ प्रभाव देने वाला सूर्य के केतु के साथ। तो हम इन्हें ग्रेड अगर करें तो ये सबसे प्रबल होगा और ये उससे बहुत कम प्रभाव वाला ग्रहण योग होता है। अब ये तो रहा ग्रहण योग की स्थिति। ग्रहण योग जहां बन जाए उसके अनुसार फल देगा, लेकिन कुछ फल मुख्य रूप से आपको दिखाई देंगे ही। जैसे कि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य बुद्धि का कारक है, सूर्य तन कहा जाता है, तो उस स्थिति में रोग बढ़ जाएंगे। रोग कहां?
सूर्य हृदय का कारक भी माना जाता है, इसलिए हृदय के संबंधित रोग आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, नेत्रों के संबंध में रोग आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, मानसिक अस्थिरता बहुत अधिक रहती है और संघर्ष जीवन में बहुत अधिक, व्यापारिक कार्यों में बहुत अड़चने आती हैं, जब भी कोई सरकारी कार्य होता है उसमें बहुत भयंकर आपको बाधाएं दिखाई देती हैं। तो एक तो कार्यों में बाधा होती है, फिर सूर्य सम्मान का कारक भी है, अगर सूर्य राहु के साथ हो गया, केतु के साथ हो गया, तो बार बार बिना किसी विशिष्ट कारण के अपमानित होना पड़ता है, मन में स्थिरता का अभाव पैदा करता है। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, अति परिश्रम करके कम सफलता प्राप्त होगी, क्रेडिट नहीं देंगे लोग आपको, बहुत मेहनत करके बहुत सारा आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं फिर भी क्रेडिट उतना नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा, गरिमा, स्वाभिमान सब प्रभावित होगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जब भी राहु होता है सूर्य के साथ में तो राज्य के कार्यों में बाधा आती है, राज कार्यों में बाधा आती है। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में हो तो बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य जहां राजनीति का मुख्य कारक है वही राहु जो है उसको विपरीत स्थिति में ले जाने वाला मुख्य कारक है, तो बार बार चढ़ते हुए बाधा महसूस करेंगे, प्रगति में बहुत बाधा होगी। सूर्य यहां राजनीतिक व्यक्तियों के लिए तो सूर्य के साथ राहु बैठना एक अभिशाप की तरह माना जाता है ज्योतिष में। अब इसके साथ साथ क्या होता है, पद प्राप्ति के साथ हमेशा क्या होगा, पद आपको मिलते मिलते रह जाएगा, प्रतिष्ठा आपको मिलते मिलते रह जाएगी, कभी कभी तो प्रतिष्ठा आकर भी चली जाएगी, कभी कभी प्रतिष्ठा की बिना किसी खास कारण के हानि हो जाएगी, कंट्रोवर्सी ऐसे लोगों के साथ बार बार क्रिएट होती रहती है उनके ना चाहते हुए भी। ये सूर्य राहु की स्थिति है। अब इसे भावानुसार भी समझने की आवश्यकता है, किस भाव में बैठने पर क्या फल होगा। अगर ये लग्न में सूर्य और राहु बैठे और यहां डिग्री वाइज बहुत नजदीक हो तो ये भयंकरतम अशुभ स्थिति होती है, क्योंकि इससे ग्रहण योग का मैक्सिमम प्रभाव दिखाई देता है, आंखों के संबंध में, सिर के संबंध में रोग, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बहुत जबरदस्त गिरावट आती है। ठीक ऐसी ही स्थिति जब चौथे भाव में बन जाए तब भी, तब हृदय के संबंधित रोग होने की बड़ी संभावना रहती है। चौथे और पांचवें भाव में यदि बन जाए तो यहां हृदय के संबंध में रोग, छाती के संबंध में रोग, मान, पद, प्रतिष्ठा, चौथे भाव में बना हुआ मकान, भूमि, वाहन, मान, प्रतिष्ठा, पद बार बार आपसे छीन लिए जाते हैं, तो ये बड़ी समस्या रहती है। पंचम भाव में भी ऐसे ही प्रभाव होता है और नवम भाव में भी इसी प्रकार का प्रभाव होता है, क्योंकि इन स्थानों पर राहु बैठकर जहां इन स्थानों को दूषित कर रहा है वहीं पाप ग्रह होने से वहीं साथ साथ सूर्य को भी दूषित कर रहा है, तो ये डबल बैड इफेक्ट यहां दे रहा है। सप्तम भाव में बैठ जाने पर वैवाहिक जीवन का ये नाश कर देगा। ऐसे ज्यादातर लोगों में वैवाहिक विच्छेद की स्थिति बन जाती है, कभी कभी तो बहुविवाह की स्थिति बन जाती है, तो बार बार विवाह होता है, टूटता रहता है, चलता नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। अब अगर ऐसी ग्रहण स्थिति, आपको पहले तो भावानुसार इसका विचार करना है, पहले इसकी प्रबलता का विचार करना है, टाइप ऑफ का विचार करना है, फिर इसकी भाव का विचार करना है और भाव के अनुसार इसके फल पर विचार कर सकते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्य से ग्रहण योग बन रहा है तो उस स्थिति में आपको उपाय क्या करना चाहिए। सूर्य के साथ यदि ग्रहण योग बन रहा हो तो आपको सूर्य के संबंध में पूजा उपासनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सूर्य को बलि करिए। यदि सूर्य बहुत शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से सूर्य का रत्न भी धारण किया जा सकता है, लेकिन सूर्य यदि शुभ स्थिति में न हो और लग्नानुसार वह विपरीत फल वाला ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य और राहु दोनों की पूजा उपासना की जानी चाहिए। सूर्य की पूजा कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप करने से भी इस फल में कमी आती है, और राहु के संबंध में आप माता दुर्गा या भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करेंगे तो राहु के प्रभाव में काफी हद तक कमी आ जाती है। ऐसे लोगों को राहु के रत्न धारण करने से निश्चित रूप से बचना चाहिए, इससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो उम्मीद है आप सूर्य के ग्रहण योग को अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।